हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हो और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मैं करूँगी आपके साथ शेयर कि हम लकड़ियों की छेवड़े कैसे लगाते हैं, और कई दिनों से मैंने भारे बांध के रखे हैं और फिर बीच में पड़ गया अस्त। अस्त के बाद फिर जैसे हम लकड़ियों का काम शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो मैंने भारे बना करके रख दिए थे और बीच में शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था। ऐसे तो हमने जो हम समदे काटते हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त के लकड़ियां काट लेते हैं, वो रख दी थी जहाँ पर हम लकड़ियां स्टोर करके रखते हैं, पर फिर टाइम भी नहीं लगा बीच बीच में और रह गए ऐसे ही भारे बांधे हुए हैं यहाँ पर, भारे बांधे हुए लकड़ियों के। और अब हम ढो लेते हैं इनको। तो मीनाक्षी के पापा चले गए भारा लेकर के, और देखिए हमारे यहाँ के पत्थर, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और फिर बीच में परेशानियाँ भी आती रही तो टाइम नहीं लगा, और अब मैं भी उठा लेती हूँ भारा। तो जय मैं दिखा, देखिए यहाँ जैसे, चलो पार जा करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो ये है शाम का नज़ारा, और सूर्य देव जी भी छिपने वाले हैं। पशुओं को मैंने बाहर बांध दिया और उनको घास डाल करके गायों को चराने के लिए नहीं लाया, और काउ मिल्किंग करके अब आए हैं हम यहाँ पर लकड़ियाँ ढोने। तो मैं भी उठा लेती हूँ भारा, देखिए कितने बड़े बड़े लगाए हैं। तो मैं भी उठा लेती हूँ, और यहाँ पर बच्चे नहीं आए मेरे साथ, तो मैं ही अपने आप वीडियो बना रही हूँ। फोन पकड़ने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तो मैं बहरा बांध लेती हूँ। तो ये देखिए ऐसे पत्थरों से चलना पड़ता है हमारे को, ऐसे और ऐसे। देखिए यहाँ पे मैंने वो रखे हैं रामबाण के बाण, यानी कि जिनकी हम रस्सियाँ बनाते हैं। ये देखिए पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। ये चले गए नीचे प्रिंस के पापा। तो ये है पत्थरों वाली दीवार जो कि जंगली जानवरों के लिए लगाई है, तो इससे जाएंगे हम यहाँ को, और कि यहाँ पे बांस है। और ये अखरोट का पेड़ है, अभी छोटा सा ही है। तो ये देखिए कितनी दीवारें पार करनी पड़ेगी जाने को। खड़की होती नहीं, ब्यूड़ किया है। और ये देखिए मौली से बांधा है इसको, तो इसको शुभ मुहूर्त के काटते हैं, और फिर बाद में हमारे को टाइम नहीं लगा, तो जहाँ पर हम लकड़ियाँ रखते हैं वहाँ पर रखते हैं इसको भी, यहाँ पर रखते हैं।
तो अब हम धो लेते हैं भारे और बाद में मिलते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर लगाएंगे और देखिए अखरोट के पेड़, इनमें अखरोट भी लग गए छोटे छोटे, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे दिखाई दे रहे थे पहले छोटे छोटे, ये यहाँ पे नजदीक ये देखिए ये लगे अखरोट छोटे छोटे लग गए। और जब इनमें फूल पड़ा था तो मैं नहीं दिखा पाई। और ये है यहाँ पर आड़ू के पौधे, तो आड़ू भी लग गए हैं छोटे छोटे, ये लुकाट के पौधे हैं। और ये है सीताफल के, तो सीताफल भी लगे हुए हैं देखिए, ये लगे हैं सीताफल अभी इनमें छोटे छोटे हैं। तो अब मैं हम ढो लेते हैं भारे और तब मिलते हैं आपके साथ। तो देखिए आजकल हमारे पहाड़ों में कौन से फल लगे हैं, तो ये है सहतूत। और सहतूत के फल ऐसे होते हैं, मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा है, ये निकाले मैंने, ये है सहतूत के फल। और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने के लिए और गुणकारी भी होते हैं। दो तीन थे। तो ये लगी थी खुमानिया और ये अभी हरी है, और देखिए कितना हरा भरा देख करके मन खुश हो जाता है और बहुत ही शांति मिलती है पहाड़ों में जैसे ठंडी हवा चलती है। और ये यहाँ पर सहतूत के फल है, ये भी बहुत ही टेस्टी होते हैं और खाने के लिए और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये यहाँ पर निकाले थे मीनाक्षी ने और ये दिखा रही थी मेरे को। तो देखिए बहुत ही मीठा स्वाद होता है इनका। और अभी है शाम का टाइम, तो मैं बच्चों की ड्रेस धो रही थी क्योंकि नलके में पानी बिना पानी आए हुए हो गए थे 10-15 दिन, और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पहाड़ों में। तो पानी ना होने के कारण मुझे थोड़ी मतलब ड्रेस जैसी ही धोई मैंने और कपड़े नहीं धोए, जब पानी आएगा तब धोने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे पशुओं के लिए भी बहुत पानी लगता है पीने के लिए और हमें भी चाहिए होता है पीने के लिए बर्तन धोने के लिए, तो उसी लायक वो था पानी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों की धुलाई हाथों से, तो ड्रेस तो धोनी ही पड़ती है और कपड़े भी धोने पड़ते हैं क्योंकि किसी को भी गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता, और नहाना भी पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, पानी चाहे मीलो दूर से लाना पड़े। तो मैं कर लेती हूँ कपड़ों की धुलाई। ये वाली वीडियो जब आग लगी थी हमारे जंगल में उससे पहले की है, तो अगर हमने ये घास नहीं काटी होती तो अब एक एक तिनके को तरसना पड़ता। और देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा घास जली हमारी भी, पर ये थोड़ी सी गाड़ियाँ हमने पहले काट दी थी और स्टोर करके रख दी थी, क्योंकि होता ही है कि 15-20 हज़ार की घास खरीदते हैं हम। तो मैंने गुन्नू लगा करके रख दिए थे और कुछ अभी काटने को थी, पर अगर ये भी नहीं होती तो 15-20 हज़ार की घास पूरी ही चल जाती। और अब जैसे काट के रखी थी तो अभी यही काम आ रही है, और कुछ हम तूड़ी लाएंगे तो उससे गुजारा चल पड़ेगा। हमारे पहाड़ों में पशु ऐसे होते हैं कि इनको मतलब ज़्यादातर ये तूड़ी नहीं खाते, घास खाने की ही आदत होती है। और ये वाली क्लिप मेरे पास पहले थी तो ये मेरे से छूट जाती थी और मैं इसको आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पर कल्पना और प्रिंस काट रहे हैं जौ, तब जौ हरे थे और हम लगे थे यहाँ पर ओल गाने,
जिसको हम अपनी भाषा में कुन्नू बोलते हैं। और ये यहाँ पर इनको लगाया था मैंने यहाँ पर, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था और देखिए कितना अंधेरा हो गया हमारे को कुन्नू लगाते लगाते। पर ऐसा हुआ कि इतना हमने घास काट दिया था, नहीं तो ये भी पूरा ही जल जाता। और फिर हमारे होता है यहाँ पर पहाड़ों में, जैसे कि एक पुल्ला होता है घास का, तो 10-12 रुपए का एक पुल्ला बिकता है। और ये हमने कुन्नू लगा दिया यहाँ पर, साथ में भी है और एक, तो ऐसे हम स्टोर करके रख देते हैं पर पूरी नहीं काटते, क्योंकि यहाँ पर हरी घास नहीं होती। और जैसे हर मतलब ताज़ा घास लानी पड़ती है हर रोज़ पशुओं के लिए, ये तो ऐसे हमने बरसात के लिए काटी थी, पर अब घास चलने की वजह से यही काम आ रही है। और हमारे पशु तूड़ी नहीं खाते, इसमें भी कुछ घास मिक्स करना पड़ता है और कुछ हरे पेड़ पौधों के पत्ते और कुछ तूड़ी, तब पशुओं को खिलाते हैं। ऐसे हमारे पशु मतलब अगर हम तूड़ी ही खिलाना चाहे तो वो नहीं खिलाते। और देखिए हम यहाँ पर कुन्नू लगा चुके हैं और ऊपर हमने पॉलीथीन का तरपाल जैसा बांध दिया, क्योंकि फिर बीच में पानी नहीं जाता और बारिश होती है तो पानी इसके ऊपर से घास से नीचे आ जाएगा और घास सड़ने का भी डर नहीं रहता। तो ये लगा दिया हमने कुन्नू। और बहुत सारे काम थे मेरे पास, मतलब जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करे थे, और मैं काम करती रहती थी, वीडियो बना के रह जाती थी और फिर टाइम नहीं लगता था शेयर करने को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। तो जो हमने डंडा लगाया था बीच में, इससे बांधा ये तरपाल ऊपर, और फिर अब इससे चारों तरफ को रस्सियों से नीचे जैसे रस्सियाँ लगाएंगे और चारों तरफ से फिर ये करेंगे, इसको चारों तरफ से बांध देंगे ताकि हमारा घास उड़े ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान चलता है और तूफान से ये उड़ने का डर भी रहता है। तो मैंने चुन्नी की रस्सियाँ बनाई और इनको ही ऊपर से गोला जैसा बनाते हैं, कुन्नू के ऊपर रखते हैं उसको और फिर चारों तरफ से रस्सी बना करके ये करते हैं। तो ये लगा दिया हमने।